Hello everyone, welcome back. So we are in the Indian Economy series. We have done with the agriculture problems and importance of agriculture on that period. Today we are going to deal with the reforms in the agriculture sector which has been happened. Reform ka bahut simple sa meaning hai aur that is koi bhi formation aapne kiya hai kisi cheez ko form karne ke baad mein if the results are not that much good to un cheez ko reform karna un cheez ko wapas banana readapt karna that is what reform is. Now, अभी एग्रीकल्चर में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, वी नीड टू सी एंड आई हैव बाइफर्केटेड दीज इन थ्री पार्ट्स. पहला तो ये है लैंड रिफॉर्म्स, जिनको अपन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी बोलते हैं. अदर देन दैट दे आर जनरल रिफॉर्म्स विच आर जनरलाइज्ड एंड एप्लीकेबल टू एवरीवेयर. गवर्नमेंट ने बहुत सारी वैसी भी चीजें अडॉप्ट करी थी. एंड थर्ड वन इज टेक्निकल रिफॉर्म, जिसको अपन ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट आई विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. टुडे अभी आज अपन लैंड रिफॉर्म देखेंगे और जनरल रिफॉर्म्स देखेंगे. ठीक है, अभी लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट लैंड रिफॉर्म्स. सबसे पहला लैंड रिफॉर्म यही था कि उन्होंने जमींदारी सिस्टम खत्म कर दिया. दे अबॉलिश द इंटरमीडिएटरीज, जो भी मीडिएटर्स थे, इंटरमीडिएटर्स जो भी थे फार्मर के और मार्केट के बीच में या फिर फार्मर के और गवर्नमेंट के बीच में, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाया था, एक्सप्लाइटेशन हो रहा था. तो उन्होंने बोला कि यार इन जमींदारों को खत्म करो. गवर्नमेंट यू नो एबॉलिश द जमींदारी सिस्टम. और उस टाइम पे उन लोगों ने 200 लाख लोगों को ओनरशिप दी थी लैंड की एंड दे यू नो गेव द ओनरशिप टू द फार्मर्स कि आप रखो यार आपकी जमीन है, आप काम करो, आप अपने हिसाब से काम करो, इट वुड बी वेरी गुड फॉर यू और आप अच्छे से यूटिलाइज करो, ये आप ही का काम है. सी यू कैन टेक एन एग्जाम्पल. अभी लेट सपोज आई विल से This is your मतलब I will you know see suppose आपकी principal जो भी हैं उन्होंने बोला कि ma'am this is your class and you are the class teacher of this particular you know class and you have to take the responsibility. मैं क्या बोलूंगी यार मेरी क्लास है, मतलब मेरे को वो अपनापन सा आ जाएगा अंदर से कि यार मेरी चीज है, that's mine, I have to take care of that. Nobody else class teacher will take care of my class. तो मैं आप लोगों का बहुत से ध्यान रखूंगी. उसी तरीके से फार्मर्स को बोला कि भाई आपकी खुद की जमीन है, उगाओ अपने हिसाब से, बेचो अपने हिसाब से, कोई बीच में नहीं पड़ेगा. तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई. राइट, तो एक तो उन्होंने ये किया. अदर देन दैट द सेकेंड थिंग दैट वॉज द रेगुलेशन ऑफ रेंट. अभी यहाँ पे क्या किया कि उन लोगों को ये बोला कि या नोबडी वुड एबल टू एक्सप्लॉइट यू एंड दे विल रेगुलेट सम रेंट. दे विल से कि ये इतना इतना रेंट हम आपको दे रहे हैं और ये सर्टिफाइड रेंट है, दिस इज द रेंट जो कि गवर्नमेंट डिसाइड कर देगी. कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर पाएगा आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए कि भाई जिस लैंड की जितनी वर्थ होगी उतना ही आपको पे करना पड़ेगा. गवर्नमेंट ने ये ऑलरेडी पहले से ही रेगुलेट कर दिया. नाउ ऑन द अदर हैंड इफ यू सी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स. अभी एज आई सेड यू इन द प्रीवियस वीडियो कि बहुत छोटे छोटे स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स थे. राइट, बहुत छोटी छोटी लैंड थी जो कि हर कोई फार्मर में बटी हुई थी. तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि यार इतनी बड़ी लैंड है, सपोज दिस इज द लैंड, आई ड्रॉ, यस दिस इज द लैंड. राइट, अभी ये लैंड का एरिया है, ये इस तरीके से बटा हुआ है. सपोज अभी क्या हुआ कि ये दिस इज ए बी सी डी ई एफ. राइट, अभी व्हाट इज द प्रॉब्लम कि यहाँ पे ये इतने से एरिया में ही क्रॉप उगा रहे हैं, यहाँ पे इतने से भी उगा रहे हैं. गवर्नमेंट ने क्या बोला कि यार खत्म करो बैकग्राउंड्स और जितनी भी बाउंड्रीज है उनको खत्म करो और इस पूरी लैंड में आप यू नो क्रॉप उगाइए और अच्छे से प्रोडक्शन करिए और उसको बेचिए. तो जो आपने बाउंड्रीज खत्म कर दी, जो नॉन फार्मिंग एरिया था बाउंड्री के कारण वो फार्मिंग एरिया हो गया, वो फार्मिंग के लिए एरिया जो है वो बढ़ गया. तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर फार्मर्स आल्सो टू यू नो प्रोड्यूस गुड क्रॉप इन अ गुड क्वांटिटी. राइट, तो गवर्नमेंट डिड दैट आल्सो. अदर देन दैट इफ यू सी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया कि भाई लैंड सीलिंग होंगी. अभी उसका मतलब ये है कि आपके पास में एक फिक्स्ड एरिया रहेगा लैंड का. गवर्नमेंट ने बोला कि कोई भी एक फार्मर एक इतने पर्टिकुलर एरिया का लैंड ही रख सकता है. अगर ज्यादा हुआ तो हम उनसे लेकर उनको दे देंगे जिनके पास नहीं है. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. अभी सपोज देयर आर लाइक 10 फार्मर्स. राइट, 10 में से 7 लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है. ठीक है, जिसके पास बहुत पैसा है और बहुत अच्छी खासी लैंड्स हैं.
अभी तीन ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है, एकदम मीडियम है, मरमुरा जाएंगे, ऐसी वाली सिचुएशन हो रखी है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपके पास में फिक्स लैंड ही रहनी चाहिए जहाँ पे आपका प्रोडक्शन हो सके, आपका मतलब सर्वाइवल हो सके, आप मार्केट में सेल कर सको, उतना ही रखना है आपको। एक फिक्स लैंड एरिया गवर्नमेंट डिसाइड कर दिया और बोला कि आपका जो बचा हुआ है वो हम इन तीन में बांट देंगे, बिकॉज इन तीनों को जरूरत है, सो दैट फार्मिंग में इक्वालिटी आ सके, फार्मिंग में एक इक्वल प्रोडक्शन की ग्रोथ हो सके। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम सबको प्रॉपर फिक्स्ड एरिया में लैंड देंगे, कोई ज्यादा नहीं कोई कम नहीं। ऐसा नहीं होगा कि एक बहुत बड़ा रिच फार्मर होगा और एक बिल्कुल पुअर होगा। दे विल ट्राई देयर बेस्ट कि हर फार्मर को एक पर्टिकुलर लैंड का हिस्सा मिले, राइट। अदर देन दैट इफ यू सी द अदर पार्ट वॉज द कोऑपरेटिव फार्मिंग। अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला कि यार अभी आपको बाउंड्रीज तो हमने हटाई दी है, जमीन एक हो ही गई है, तो क्यों नहीं आप सब लोग एक साथ में फार्मिंग करो एक बड़े एरिया में, छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स पे काम करने से तो बढ़िया है ना कि एक बड़े एरिया में काम करो, साथ में काम करो, जॉइंट फार्मिंग करो, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, आपकी एग्रीकल्चर जो भी ग्रोथ है, सर्वाइवल है, परचेजिंग पावर, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, एवरीथिंग विल गो अप। मार्केट में भी आप जाएंगे बेचने तो वो मतलब वो जो क्वांटिटी है आपकी क्रॉप की वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, वेस्टेज कम होगा। और जस्ट बिकॉज अभी आपकी लैंड एक ही है तो क्यों नहीं आप जॉइंट फार्मिंग करते हैं, राइट। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट सेट कि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड जॉइंट फार्मिंग, दैट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग, ताकि ग्रोथ हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े। उसके बाद में अगर आप जनरल रिफॉर्म्स देखोगे तो बहुत सिंपल से है यार, कुछ भी नहीं है। अपन ने प्रॉब्लम्स में बात की थी, इरिगेशन फैसिलिटी की बहुत प्रॉब्लम थी, सिर्फ बारिश पे वी आर डिपेंडेंट, राइट। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि उन्होंने इरिगेशन फैसिलिटीज एक्सपैंड कर दी। उस टाइम पे इन 1951 गवर्नमेंट यू नो इंट्रोड्यूस्ड द इरिगेशन फैसिलिटीज एंड वेयर दे सेड एंड दे यू नो अडॉप्टेड 17% ऑफ लैंड व्हिच वाज फॉर द मीन ऑफ इरिगेशन ओनली, राइट। 17% लैंड ऐसी थी जो कि बिल्कुल इरिगेशन के लिए एकदम प्रॉपर फैसिलिटी देने के लिए तैयार थी और वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर से तरीके से करने के लिए उन्होंने शुरुआत कर दी थी। अभी 2010 की बात करें, मतलब यू नो इन 2010 it is 35% of land which is ready for the mean of irrigation facility. So, water management अच्छा हो जाए, इसके लिए government ने ये सब कुछ introduce किया. Other than that, second one is provision of credit. अभी ये भी अपन ने प्रॉब्लम में बात करी थी जब मैंने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं और जो लोग हैं वो लोग बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे थे। पर मंथ दे वर चार्जिंग द इंटरेस्ट, आई टोल्ड यू दैट इन द प्रॉब्लम सेक्शन लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, एक एपेक्स बैंक बनाया, दैट इज नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जैसे अपना एपेक्स बैंक आरबीआई है जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए होता है, वैसे ही हर रूरल बैंक के ऊपर एक सबसे बड़ा बैंक है नाबार्ड। यहाँ पे फार्मर्स को हम क्रेडिट फैसिलिटीज देंगे, हम उनको लोन प्रोवाइड करेंगे कम इंटरेस्ट पे, हम उनको ना एक्सप्लॉइट करेंगे, हमारी पॉलिसीज इस तरह की होंगी जो फार्मर्स के फेवर में होंगी। तो हम उन लोगों ने ये भी इंट्रोड्यूस किया नाबार्ड, सो दैट फार्मर्स जो हैं वो कम से कम एक्सप्लॉइट हों, उनको फालतू अनशर्न इंटरेस्ट ना देने पड़े। मतलब वो अपनी अपने गहने बेच रहे होते थे, जमीन गिरवी रख रहे होते थे कि भाई पैसा मिल जाए, ऐसा कुछ ना करना पड़े। ऐसी वेलफेयर स्कीम्स लाए हम लोग इस बैंक के थ्रू गवर्नमेंट फार्मर के लिए, सो दैट वो लोग अच्छे से अपने मन मर्जी से अपनी क्रॉप उगा सके, अपना प्रॉपर वर्थ यूज कर पाए, राइट। तो दैट वॉज ऑल्सो देयर। उसके अलावा गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस रेगुलेटेड मार्केट। अभी रेगुलेटेड मार्केट का मतलब है कि जो बिल्कुल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड रहेगा, गवर्नमेंट विल डिसाइड द प्राइस ऑफ द क्रॉप्स। आप अपनी मर्जी से 10 रुपए की क्रॉप को 5 रुपए में नहीं खरीद सकते हो, आप फार्मर्स को बिल्कुल भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि कम से कम नेगोशिएट करने तक भी ये क्रॉप 7 रुपए में बिकेगी तो 7 रुपए में ही बिकेगी, इससे कम नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड मार्केट इंट्रोड्यूस कर दिए। उसके अलावा गवर्नमेंट सेट एंड यू नो देयर वाज दिस रिफॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, जहाँ पे जब आपको ये बोला कि आप ज्वाइंट फार्मिंग करो तो आप मार्केटिंग भी साथ में करो ना, किसकी, फार्मिंग की नहीं, प्रोडक्ट्स की, कि जो आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो आपकी क्रॉप्स बन रही हैं, आप उनको साथ में बेचो, एक साथ में बल्क में बेचो। सपोज यू आर गोइंग टू अ शॉप कि 10 किलो की हमारी या 100 किलो की हमारी क्रॉप निकली है इस बार, जरा खरीद लो, वो क्या बोलेगा, देना दो वरना जाओ यार, इतने में ही चाहिए, हम इतने ज्यादा नहीं लेंगे। यही अगर आप 1000 क्विंटल क्रॉप लेके जा रहे हैं उनके पास में और उनको बोल रहे हैं 4 जने या 5 जने या 10 जने मिलके कि ये हमारी क्रॉप है, टेक दैट,
कोई बड़े वेयर हाउस में या बड़े मंडी हाउस में यू आर गोइंग एंड यू आर यू नो सेइंग देम, तो उन लोगों के वो भार होता है ना कि यार इतना बल्क में हम कैसे छोड़ दें, राइट? तो हमें ले लेना चाहिए. तो नेगोशिएशन का बहुत कम चांसेस हो जाता है वहां पे, और वहां पे आपकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से आपको प्राइस भी मिल जाएगी. तो दैट ऑल्सो यू नो गवर्नमेंट एंड इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ रिफॉर्म, ये सब कुछ हुआ. उसके बाद सपोर्ट प्राइस पॉलिसी ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड. उसका सिंपल सा मतलब है एमएसपी, आपने सुना होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस. इसमें क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ. सी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये होता है कि जब गवर्नमेंट फार्मर को बोल रही होती है कि आप अपनी क्रॉप बनाओ, क्रॉप उगाओ, और जब आपकी क्रॉप बन जाए आप हाथ पाँव मारो अच्छे से मार्केट में, आप देखो कि क्या मार्केट मतलब कौन कौन आपकी क्रॉप जो है वो खरीदने के लिए रेडी है, आप जिस प्राइस पे देने जाते हो उस प्राइस पे, राइट? उसके बाद में फार्मर गया मार्केट में, एक दो एक दुकान, रामलाल की दुकान, श्यामलाल की दुकान, लक्ष्मण भाई की दुकान, और पता नहीं जो भी जितने भी दुकान होते हैं सब जगह गया वो, ठीक है? उसके बाद में दो लोगों ने ले ली, तीसरे लोगों ने ले ली, तो क्रॉप बच गई. तो गवर्नमेंट फार्मर को बोलता है कि जो भी आपकी क्रॉप बच जाएगी हम एमएसपी एक एक रेट है, हम वो प्राइस डिसाइड करेंगे कि आपके इस प्राइस पे हम वो क्रॉप आपसे खरीद लेंगे. सो दैट अगर मार्केट में आपकी फॉर वट एवर कंडीशन मार्केट में आपकी क्रॉप नहीं बिकी तो हम आपसे खरीदेंगे और हम उस क्रॉप का यूटिलाइजेशन अपनी किसी स्कीम में करेंगे, डेवलपमेंट में करेंगे, पर आपको कोई वेस्टेज नहीं होगा, आपको आपकी कमाई का मतलब जो पूरा हिस्सा मिलना चाहिए वो मिल जाएगा. आपने इतनी मेहनत करी है, प्रोडक्शन करा है, तो आपकी क्रॉप का जितना भी वर्थ है वो गवर्नमेंट ऑलरेडी डिसाइड कर लेती है एमएसपी, इस रेट पे हम आपसे खरीद लेंगे. तो गवर्नमेंट विल परचेज द क्रॉप फ्रॉम द फार्मर्स व्हेन द फार्मर इज नॉट एबल टू सेल दैट इन द मार्केट, राइट? तो ये बेसिक सी चीज है और ये बहुत ही अच्छी चीज है, वेयर इट हेल्प्स द फार्मर इन अ वेरी गुड वे, राइट? तो जब नॉर्मल याद रखना है आपको, जब फार्मर जो है वो हाथ पाँव मार लेता है, सब कुछ अपना लोट पोट हो जाता है, नहीं हो पाता, उसकी क्रॉप नहीं सेल होती है फॉर वट एवर रीजन, मार्केट कंडीशन, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, कुछ भी, तो गवर्नमेंट बोलता है कि यार कोई नहीं हम खरीद लेंगे. तो गवर्नमेंट उनसे वो क्रॉप एक पर्टिकुलर प्राइस पे खरीद लेती है और वो ऑलरेडी रेट डिसाइड होती है, राइट? तो ये रिफॉर्म भी उस टाइम पर ही आया था, एग्रीकल्चर रिफॉर्म. अभी एक और रिफॉर्म जो बहुत बड़ा है, दैट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, वो बच गया है, दैट वी नीड टू डू, वो आई विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज बहुत लंबा हो जाता है अदरवाइज, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो उसको सेपरेटली देखेंगे. अदर देन दैट आई होप आपको सारे रिफॉर्म समझ में आए होंगे. बहुत ही सिंपल है, जनरल रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म्स, तीनों ही दोनों ही बहुत सिंपल है, एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल. इसमें कुछ भी नहीं है बहुत ज्यादा ऐसा देखने का, बस टेक्निक्स लॉजिक्स रखो, याद रखो, सब हो जाएगा, राइट? तो अभी इंडियन इकोनॉमी चल रही है, बिजनेस स्टडीज के पार्ट वन पार्ट टू दोनों चल रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी चल रही है. कीप ऑन वॉचिंग गाइज, कीप शेयरिंग, कीप ऑन वॉचिंग, डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट डन, एंड डू लाइक द वीडियो. Write me in the comment section whatever you have feel. आपको कुछ क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आया हो, यार आई एम नॉट भगवान, कभी हो जाता है कि नहीं समझा पाए अच्छे से, बाई चांस गलती से कुछ भी हो जाए, तो प्लीज एटलीस्ट लेट अस नो सो दैट वी कैन इम्प्रूव एंड वी कैन कन्वे वट एवर यू वॉन्ट अस टू कन्वे, राइट? आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन इफ यू हैव एनी डाउट राइट मी इन द कॉमेंट सेक्शन, यू कैन राइट मी ऑन द टेलीग्राम, लिंक दिया हुआ है नीचे. सब कुछ अच्छे से परफॉर्म करिए, ऑल द वेरी बेस्ट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.